नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज डॉट इन और मैं हूं अंकिता। आई नजर डालते हैं आज दिन भर की बड़ी सुर्खियों पर। मकर संक्रांति पर बिहार में खूब चला सियासी भोज। दही चूड़ा के भोज में एनडीए ने दिखाई अपनी एकजुटता। जदयू के वशिष्ठ नारायण के आवास पर जुटे एनडीए के नेता। एलजेपी के भोज में शामिल हुए गवर्नर लालजी टंडन और सीएम नीतीश। लालू यादव के लिए चूड़ा दही और तिलकुट लेकर पहुंचे समर्थक। रांची में रिम्स के बाहर कार्यकर्ताओं का लगा जमावड़ा। लालू की सेहत पर अस्पताल के डॉक्टर उमेश प्रसाद बोले, शुगर लेवल कंट्रोल में दही चूड़ा खा सकते हैं लालू। यूपी में तेजस्वी ने की अखिलेश और मायावती से मुलाकात। बोले, बिहार और यूपी तय करेगा केंद्र में किसकी होगी सरकार। सीबीआई पर लगाया एनडीए के सहयोगी दल होने का आरोप। कहा, लालू यादव से डरते हैं पीएम मोदी, इसलिए जेल भिजवाया। एलजेपी के चिराग पासवान का विपक्ष पर पलटवार। बोले, भ्रष्ट नेताओं का हुआ महागठबंधन। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी दी नसीहत। बोले, यूपी छोड़िए पहले बिहार में, आरजेडी को संभालिए। पटना में 20 जनवरी को जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर होगी महत्वपूर्ण चर्चा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे बैठक की अध्यक्षता। कैंडिडेट और सीटों के चयन पर भी लिया जाएगा फैसला। एसपी और बीएसपी गठबंधन पर बोले डिप्टी सीएम सुशील मोदी, देखना है कि आरजेडी और कांग्रेस को मिलती है कितनी सीटें। बिहार में कांग्रेस की स्थिति को लेकर किया कटाक्ष। पूछा, कांग्रेस यहां यूपी की तरह अकेले लड़ेगी या लालू के पीछे चलेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बोले आरजेडी के रघुवंश प्रसाद, सीट शेयरिंग को लेकर नहीं चल रहा कोई विवाद। चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाए गठबंधन। यूपी में की कांग्रेस को गठबंधन में शामिल करने की मांग। पटना में स्वास्थ्य विभाग ने लिया बड़ा फैसला। 15 दिनों तक मछलियों की बिक्री और भंडारण पर रोक। पटना नगर निगम क्षेत्र में 29 जनवरी तक रहेगी रोक। बंगाल और आंध्र से आने वाली मछलियों पर लिया गया निर्णय। देशद्रोह मामले में हुए चार्जशीट पर कन्हैया कुमार का पलटवार। बोले, डिप्रेशन में आकर कुछ भी कर रही है केंद्र सरकार। कन्हैया पर जेएनयू में देश विरोधी नारा लगाने का है आरोप। दायर चार्जशीट पर पटियाला हाउस कोर्ट में कल होगी सुनवाई। गया हत्याकांड मामले में पुलिस की कार्रवाई में आई तेजी। मानपुर जाकर एफएसएल और सीआईडी टीम ने की जांच। युवती के परिजनों और दोस्तों से मिलकर ली कई जानकारी। मामले की जांच रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपेगी पुलिस। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी सुर्खियां। आप बने रहिए लाइव सिटीज डॉट इन के साथ।